Exercise 4.2, question number 5. The altitude of a right angle triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. तो इसका सोल्यूशन हम करेंगे. तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बनाना होगा. राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लेते हैं ए बी सी, राइट एंगल डेट बी. तो इसमें अब द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. तो बेस से कंपेयर किया है तो आप यहाँ सपोज कर लें बेस को ही. लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, देयरफॉर एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ये कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. तो x माइनस 7, लेस का मतलब माइनस हो गया ये. अगर ये x हो गया तो आपका ये x माइनस 7 हो गया. तो अभी आप इसको क्या करेंगे, इसकी टू साइड आपको निकालनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. थ्योरम वो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, आपकी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सिंपली ये याद रखना है आपने. तो हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 13 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना x माइनस 7 होल स्क्वायर और प्लस बेस कितना x स्क्वायर. ये हो गया, आप इसको 169 लिख सकते हैं 13 स्क्वायर को. a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ पे फार्मूला लगा के इसको ओपन कर दो. फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस x स्क्वायर. 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49, 2 × 7 = 14x प्लस एक्स स्क्वायर. तो इसको 169 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x² माइनस 14x प्लस 49. तो यहाँ पे जब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते हैं तो इसको हम उधर शिफ्ट करके क्या बना लेते हैं यहाँ पे 0 2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 ये हो गया. अब ये कितना हो जाएगा फाइनली 2x² माइनस 14x. तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 120 माइनस इज इक्वल टू 0. अब सभी में 2 कॉमन आ जाता है, सभी में 2 कॉमन आ जाता है तो इसका मतलब 2 से सबको डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इजिकल टू 0. अब आपको क्या करना है, इसको मिडिल टर्म सब्लिट करके इसके रूट्स निकाल लें. अब आप देखो इसमें क्या है, ये इसके साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है. तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारी क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0. यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली आपका ए क्या है 1 और बी क्या है आपका माइनस 7, सी है आपका माइनस 60. और जैसे ही आपको तुरंत ये मिलते हैं तो आप ए इंटू सी निकालते हैं सेकेंड स्टेप में. ए इंटू सी मीन्स 1 × 1 × माइनस 60 इजिकल टू ये कितना हो गया आपका माइनस 60. अब आप देखो इस 60 को आप प्राइम इसको इस 60 को आप के फैक्टर निकालोगे, आप उन फैक्टर्स को दो पार्ट में अरेंज करना है. वो दो पार्ट ऐसे होने चाहिए आपके
के आपका यहाँ पे माइनस करने पे तो आए 7 और मल्टीप्लाई करने पे आए माइनस 60। तो इसको फैक्टर करके देखिए, इसके फैक्टर हम कर सकते हैं यहाँ पे 60 के ऐसे 60 2 3 या 2 15 3 5 5 1। तो इसके फैक्टर कितने हो गए 60 के? 60 का क्या लिख सकते हैं, 1 ये भी लिख लो इसमें इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इन्हीं को आपको दो पार्ट्स में अरेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं, देखो ये भी हो सकते हैं, इसके कई पार्ट बन सकते हैं इसके, जैसे 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा 4 5 3 जा 15 15 4 जा 60 होता है, बट 15 माइनस 4 7 नहीं होता, -7 नहीं होता। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, 4 3 जा 12 और 5, हाँ 12 और 5 बन सकते हैं, आपको -5 चाहिए ना, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, तो ये वाला, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया 12 और ये हो गया अकेला 5, 12 5 जा 60 हो सकते हैं, और -12 प्लस 5 वो कितना हो जाएगा आपका, -12 इसके साथ माइनस लग जाएगा 12 के साथ, और ये 5 प्लस का रहेगा, तो तब -60 बनता है, और -12 प्लस 5 करेंगे तो आप डिफरेंस आ जाएगा इसका, 5 माइनस 7 12 माइनस 7 या -12 प्लस 5, तब भी अपोजिट साइन होंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो इसको आपको बस एक्सपेंड कर सकते हैं इसको ऐसे, कहते एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख लो आप -12x + 5x -60 = 0। ये हमने क्यों किया, क्योंकि आप इसको 7 को -12 + 5 लिख सकते हो या 5 - 12 लिख सकते हो, उनसे फैक्टर बनते हैं। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आता है, आपका x कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, x - 12 बचेगा प्लस यहाँ 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x - 12 बचेगा = 0। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट में सेम है तो आपका आंसर ठीक आने वाला है, आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा है। तो अब दोनों में देखो यहाँ पे भी x - 12 है और यहाँ भी x - 12 है, इसको बाहर ले लो, x - 12 यहाँ पे आ गया और ये वाला x यहाँ ब्रैकेट में बचा और प्लस में ये 5 बचा = 0। आप यहाँ लिख लेंगे x - 12 = 0, x + 5 = 0। तो x = कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 12 और यहाँ पे x = कितना हो जाएगा -5। अब ये इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको रिजेक्ट क्यों करेंगे, ये रिजेक्टेड हो जाएगा। ये रिजेक्ट क्यों होगा, क्योंकि डिस्टेंस है यहाँ पे आई एक्स, तो एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो x = आपका 12 होगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर आपका एक्स जो होगा, x = आपका हो जाएगा 12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका बेस है वो बेस क्या हो गया 12 सेंटीमीटर, और जो एल्टीट्यूड जिसको आप हाइट भी बोल सकते हो, एल्टीट्यूड कितना हो गया x - 7 = 12 - 7 = कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.2।